हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखा था। आज हमें सीखना है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 15 के साथ। आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 15 में लिखा है x³ - 23x² + 142x -120, और आपको इसे फैक्टराइज करना है। हमने अभी तक सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, कि क्वाड्रेटिक वाला होता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम किस तरीके से उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। पर ये क्यूबिक एक्सप्रेशन एक, ठीक है ना, एक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कैसे करते हम इसे फैक्टराइज? मैंने आपको बताया था कि जीरो निकालना सिखाया था। मैंने पिछली कुछ एक्सरसाइज में आपको जीरो निकालना सिखाया था, और मैंने बताया था कि जीरो वो नंबर होता है जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे इसकी पूरे की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है ना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी बहुपद का शून्य अंक। तो आपको करना क्या है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको पुट करने पे इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि आपको इसका जीरो लेट करना है, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो आता है या आपके बुक में जितना है, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी वैल्यू लेट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला कि आपको लेट करना पड़ेगा, अब आप बोल सकते हैं कि सर हम क्या लेट करें। लेट करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, 5 + 5, 6, 7, 8 कुछ भी कर सकते हैं, माइनस में भी हम -10, -12 कुछ भी कर सकते हैं। पर नहीं, आपको उतना दूर तक नहीं जाना है, आपको ना सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ वैल्यूज रख रख के देखनी है। आपको रख के देखना है +1, -1, +2, -2, बस ये चार वैल्यू में लेट करना है। आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो इन चार वैल्यू से ऊपर का कभी भी नहीं आता, ठीक है। वो इतना ही आता है जो +1 या -1, +2 या -2 में निपट जाए, ठीक है। तो आपको इन चार वैल्यू में से वैल्यू रख के देखनी है कि किस पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। किस पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है ये आपको चेक करना है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे को क्या लिखा हुआ है, PX, ये मेरे लिए क्या है, PX। आपको एक वैल्यू लेट करनी है जिसपे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। मैं रफली ऐसे ही मान लेता हूं मन में, मैंने माना कि वैल्यू क्या है +1, मैंने माना एक्स की वैल्यू क्या है +1, तो आप 1 मानेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये 23 हो जाएगा, ये प्लस का 142 हो जाएगा, और ये माइनस का 120 हो जाएगा। तो आप देखेंगे प्लस का 142 और 1 143, और माइनस का 23 और माइनस का 120, माइनस का 143, काटे काटोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि +1 पे हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी आपको बड़ी वैल्यू नहीं दी जाएगी, ऐसी वैल्यू कभी नहीं दी जाएगी जिसपे, मतलब ऐसा कभी भी पॉलिनोमियल आपको नहीं दिया जाएगा जिसके लिए आपको +5, +6 निकालना पड़े। वो हमेशा +1, +2 या -1, -2 तक में ही हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, आपको लिखना लेट एक्स इज इक्वल टू 1, बस। और बस अभी जो हमने किया वही करना है, जहां जहां पे एक्स लिखा है वहां वहां पे 1 लिख देना है। 1³ - 23 × 1² + 142 × 1 - 120, ठीक है। ये हटा दे रहा हूं, मैं ये मिटा रहा हूं। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि 1³ तो 1 होता है, -23, और 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 23 बन जाएगा, प्लस का 142 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 142 ही आएगा, और माइनस का 120। तो आप देख सकते हैं प्लस का 142 और प्लस का 143, माइनस का 23, माइनस का 120, माइनस का 143। और आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। आप लिखेंगे हेयर एक्स इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी यहां पे एक्स की वैल्यू 1 जो है वो पॉलिनोमियल का एक जीरो है। हिंदी में क्या लिखेंगे, यहां एक्स बराबर 1 बहुपद का एक शून्य अंक है, ठीक है। ये क्या है, बहुपद का एक
शून्यंक है, और शून्यंक होता है अगर आपके पास जीरो है तो जीरो से आप पहला फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, जीरो से आप पहला फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? अभी तक आप क्या करते थे, पीछे आपको दिया जाता था कि जी एक्स अगर पी एक्स का फैक्टर होता था, अगर मान लो कुछ ऐसा दिया होता था एक्स माइनस वन, तो आप क्या करते थे, लेट करते थे जी एक्स बराबर जीरो, यानी एक्स माइनस वन बराबर जीरो, और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे वन। ऐसा करते थे हम अभी तक, ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने ऐसा किया है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, जैसे मैंने x इजिकल टू वन निकाला है, अगर मैं इसको वापस ले जाऊं यहां पे, तो ये वापस क्या बन जाएगा, x माइनस वन, और ये x माइनस क्या है हमारा, जी एक्स। यानी कि हमारे पास जब जी एक्स था उससे हम जीरो निकाल सकते थे, यानी कि जो फैक्टर था जी एक्स हमारा एक फैक्टर था पी एक्स का, तो उससे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेते थे। यहां हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इससे हमें फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो उल्टा करना है, पहले जी एक्स आपको दिया होता था उससे आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे, अब आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है इससे आपको जी एक्स निकाल के दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो भाई एक्स, यहां एक्स इजिकल टू वन आपका जीरो है, देयर फोर जो आपका जी एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, जी एक्स क्या बनेगा, एक्स माइनस वन। बाय फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हो आप कि बाय फैक्टर थ्योरम हो रहा है। अरे फैक्टर थ्योरम क्या था कि ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू कुछ भी है पुट करने पे पी एक्स जीरो हो जाता है, तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होता था, एक्स माइनस ए। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू वन आई है एक तरह से, तो एक्स माइनस वन आपका एक फैक्टर बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ा है। ठीक है, वैसे भी, और आपको वैसे भी ध्यान रखना है, प्लस वन है ना उधर ले जाओ, माइनस वन कर दो, बस फैक्टर बन गया। और अगर माइनस का वन होता तो उधर ले जाके हम प्लस का वन कर देते, तब भी फैक्टर बन जाता। ये बात बहुत ही सिंपल है, आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पहला फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब लिखोगे यहां पे साइड में आप ऐसे करके लिख देना, फर्स्ट फैक्टर, पहला गुणनखंड हिंदी में लिख लेना। अच्छा, अब आप लिखेंगे नाउ डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स। पी एक्स को जी एक्स से भाग करने पर अब पी एक्स को हमें जी एक्स से भाग करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्यूबिक वाला क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ना अभी तक हमने जितना कुछ सीखा है सब लग जाता है। जैसे अभी तक हमने क्या सीखा था कि वैल्यू पुट करके जीरो निकालना, वो लग गया यहां पे। ठीक है, जी एक्स, अब डिवाइड डिवाइड करना अभी डिवाइड हमने सीखा था, डिवाइड लगाएंगे। इसके बाद हमने अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था, वो भी लगेगा। आप एक काम करिए, यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसके आगे क्वेश्चन कराता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें डिवाइड करना है इसको आगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते बच्चों। तो अब मैंने क्या बताया था, ये हमारे पास पी एक्स है और जी एक्स हमारे पास क्या आया था, एक्स माइनस वन। अब आपको डिवाइड करना है, मैंने बताया था डिवाइड करना है। ये मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि मैंने मिटा दिया ना सब कुछ, ये आपको लिखना नहीं है दोबारा से, ये आपने लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा से, क्योंकि मैं पूरा रब कर चुका हूं, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आपको दोबारा ये चीज नोट नहीं करनी, आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने डिवाइड सीखी थी कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है ना, हमने पॉलिनोमियल की डिवाइड सीखी थी ना, कैसे सीखी थी कि भाई हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे आगे वाला इसका टर्म देखते हैं और सबसे आगे वाला इसका टर्म देखते हैं, और ये देखते हैं कि इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है। ठीक है, आपके ये जो डिविडेंट है उसके पहले टर्म के पास ऐसा क्या है जो आपके डिवाइजर के पहले टर्म के पास नहीं है। तो मैंने बताया था आपको, ये एक्स है, ये एक्स क्यूब है, कितने कम है, तो एक्स का स्क्वायर कम है। इसके पास क्या कम है, इसके पास एक्स स्क्वायर कम है, तो आप एक्स स्क्वायर यहां पे देंगे तो ये मल्टीप्लाई होके इससे एक्स क्यूब बन जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बगल वाले माइनस वन से भी मल्टीप्लाई होगा। ये एक्स का स्क्वायर इस बगल वाले माइनस वन से भी मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होके बनाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का एक्स क्यूब जो था ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर जो था प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 23x स्क्वायर माइनस का और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो बनेगा माइनस का 22x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 142x माइनस का 120। अब माइनस का 22x स्क्वायर है तो फिर से देखेंगे इसके पास ऐसा क्या है जो इस पे नहीं है, तो सबसे पहली बात तो इसके आगे माइनस का 22 है जो कि उसके पास नहीं है, तो माइनस का 22 दे दिया हमने इसको। फिर हम कहेंगे कि इसके पास x का स्क्वायर है, इसके पास x की पावर 1 है, x की कितनी पावर कम है तो एक पावर कम है, तो x की एक पावर दे दिया, ये बन गया माइनस का 22x स्क्वायर, और माइनस का 22x इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 22 बन जाए 22x, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 142 में से 22 माइनस करोगे तो 120x बचेगा, और बगल में आएगा माइनस का 120। फिर से आप देखेंगे इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है, तो आप बोलेंगे इसके आगे 120 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या इसको दे दूंगा आगे प्लस का 120, बाकी एक्स तो दोनों के पास बराबर बराबर है, तो ये बन गया 120x, और प्लस का 120 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 120 बन जाएगा, और ये साइन चेंज होगा, माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, और कट के कितना आ जाएगा 0। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी आप फैक्टर, अगर आपका ये फैक्टर है, आप ये बात ध्यान रखना कि जब भी आपका अगर जीएक्स पीएक्स का फैक्टर है तो डिवाइड करने पे 0 ही आएगा, ठीक है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0, तभी हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपके पास न्यू फैक्टर आ गया, ये आ गया न्यू फैक्टर, ठीक है, अब आपके पास एक न्यू फैक्टर आ गया ये वाला, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है ना एक्चुअल में यही तो हमारा आंसर होता है, कभी भी ये हमारा आंसर नहीं होता, आंसर कभी भी जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा यहां पे निकलता है, तो ये आपका एक नया फैक्टर आ गया है, पर ये जो फैक्टर आया है ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको आपको फिर से किस में बनाना है, लीनियर में, यानी पावर 1 बनाना है, अभी हमारा जो आया है ये पावर 2 में आया है, इसको आपको किस में चेंज करना है, पावर 1 में, तो पावर 1 में करने के लिए क्या करेंगे, आप इस डिवाइड को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आपको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाता हूं, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके दो फैक्टर्स और निकाल लेंगे, ठीक है, आप इस डिवाइड को नोट कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो न्यू फैक्टर आपके सामने लिखा हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इसको आपको मिडल टर्म स्प्लिट करके दो पार्ट में तोड़ना है, तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि कैसे करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, सबसे आगे वाला टर्म और सबसे पीछे वाला टर्म इनकी रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को जब आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 120x स्क्वायर, अब बीच में माइनस का 22x है, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 120x स्क्वायर और ऐड करने पे आ जाए माइनस का 22x। सबसे पहली बात, यहां पे माइनस का है, यहां पे प्लस का है, यानी कि दो ऐसे माइनस वाले हिस्से बनाने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, प्लस का 120, ठीक है, यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है, तो हमेशा याद रखना दोनों के दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आपको किसका चाहिए, प्लस का, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए प्लस का, और हमारे पास नंबर है माइनस के, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस से प्लस का बनता है जब दोनों के दोनों नंबर माइनस के होते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप खुद ही सोचो कि 120 किसके पहाड़े में आता है और उनको एड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 22, तो आप कहेंगे 12 10 जा 120, 12 गुना में 10, ठीक है, 12 10 जा 120, और 12 और 10 को जोड़ते हैं तो 12 और 10 22 भी होते हैं, ठीक है, 12 10 जा 12 का टेबल आता है सबको, ठीक है, तो 12 के टेबल में 10 बार पढ़ोगे तो 120 आएगा, और उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 22, और दोनों के दोनों किसके होंगे, माइनस के,
माइनस का 12x और माइनस का 10x, मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस माइनस प्लस 12 10 या 120 एक्स स्क्वायर, और ऐड करोगे तो माइनस 12 माइनस 10 माइनस 22x। तो हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट, माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस 120। इन दो में कॉमन लेंगे, खुद ही बताएंगे आप क्या कॉमन आएगा, इधर भी x है इधर भी x है, x कॉमन, अंदर क्या बचा, इधर x स्क्वायर था एक x बच गया माइनस 12, x बाहर जा चुका है। फिर इनमें मैंने बताया था कि जो यहां पे आता है सेम टू सेम बगल में भी आता है, तो बिना सोचे समझे आपको यही लिख देना है, ठीक है। और बाहर क्या आएगा वो मैंने बताया था, थर्ड टर्म के पास देखेंगे, तीसरे टर्म के पास देखेंगे इस पे ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है। दोनों के पास x है पर इसके पास माइनस 10 है जो कि इसके पास नहीं है, ये माइनस का 10 मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। और ये बन गया x माइनस 12 और ये बन गया x माइनस 10। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, हमारे फैक्टर्स बन गए, सबसे पहला फैक्टर तो वही था जिससे हमने डिवाइड किया था यानी x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आया x माइनस 12 और तीसरा फैक्टर आया x माइनस 10। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये समाप्त। तो आप देख सकते हैं तीन फैक्टर आए हमारे पास, कितने फैक्टर आए, तीन फैक्टर। तो इसका ये तीन फैक्टर क्यों आए, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल कैसा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही फैक्टर होते हैं। जब डिग्री वन थी तो उसका फैक्टर भी वन होता है, जब डिग्री टू होती है तो फैक्टर भी टू होते हैं, और जब डिग्री थ्री होती है तो फैक्टर भी थ्री होते हैं। तो यहाँ तीन फैक्टर आपके आ गए। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू है, माइनस 12 माइनस 10, यानी कि जो इनके जीरो है 12 और 10 है, पर आप क्या सोच पाते हैं इनको 12 और 10 को, अगर आप लाइन से 1 2 3 4 करते तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत टाइम लग जाता। इसीलिए आपको एक फैक्टर ऐसा जरूर दिया जाता है जो आप आसानी से कर सके, जिसमें से एक फैक्टर आपका क्या था यहाँ पे 1, x माइनस 1 है तो यानी कि जीरो क्या होता है 1, तो आपने पहली वैल्यू 1 रखी और आपका निकल गया। ये ढूंढने जाते तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम एक्सरसाइज के आपके जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें चार पार्ट हैं इसके, हम उनको भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। दो दो तीन पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई करना, पहले इसको नोट कर ले। तो आपके एक्सरसाइज 2.4 के फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो अभी हमने सीखा कैसे करते हैं फैक्टराइज, ये मेरे लिए क्या है पी एक्स, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम एक जिसको रखने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए जीरो। तो आप देख सकते हैं कि वन रखने पे जीरो आ सकता है, लेट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये मैंने कैसे मान लिया, मेरे को कैसे पता चल गया कि वन रखने पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखो वन रखेंगे तो ये प्लस का वन बनेगा, ये माइनस का वन बनेगा, ये प्लस का टू बनेगा, ये माइनस का टू बनेगा और जीरो आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही मतलब ऊपर ऊपर से ही पता लगा लिया, बाकी आप लोगों को अगर ऐसा हो जाता तो अच्छी बात है, समझ में आ जाता है, तो वरना थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप भी इस तरीके से गैस कर लेंगे, ठीक है। अब वन रखने पे वन का क्यूब माइनस टू इंटू में वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, वन का क्यूब होता है वन, माइनस टू इंटू में वन का स्क्वायर होता है माइनस टू, ये हो गया माइनस वन और ये हो गया प्लस टू, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा जीरो। फिर मैंने बताया था देयर फोर मतलब ये क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू वन इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिनोमियल का एक जीरो है, यानी कि हिंदी में वही लिखेंगे x इज इक्वल टू वन बहुपद का एक शून्य अंक है, और शून्य अंक है देयर फोर हमारा जी एक्स कितना आएगा, मैंने बताया था इस वन को इधर ले जाओगे तो माइनस का वन बन जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने बताया था डिवाइड करना है, डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, ठीक है। इस पी एक्स को किससे हम डिवाइड करेंगे, जी एक्स से, और ये हमारा क्या होता है फर्स्ट फैक्टर, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है। तो यहां तक आप नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, इसके आगे मैं करा देता हूं आप लोगों को। तो जी एक्स हमारा आया था एक्स माइनस वन, और
हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जी एक्स को पी एक्स से, कर देते हैं एक बार, बाहर एक्स माइनस वन, अंदर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, फिर से वही, इसके पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है? इसके पास भाई एक्स का स्क्वायर ज्यादा है, एक्स क्यूब है, इस पे एक्स है, तो एक्स कितना ज्यादा है, एक्स स्क्वायर ज्यादा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, कट जाएगा, माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स प्लस का टू। क्या है भाई इसके पास जो इसके पास नहीं है? इसके आगे माइनस है, फिर इसके पास एक्स है जो कि इसके पास नहीं है, एक्स स्क्वायर मतलब, अब ये माइनस का एक्स इस माइनस के वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस का टू एक्स प्लस का टू। फिर इसके आगे क्या है भाई, माइनस का टू है जो कि उसके पास नहीं है, माइनस का टू एक्स प्लस का टू, देखो ना माइनस माइनस प्लस, टू वन जा टू, प्लस का टू बनेगा, ये प्लस ये माइनस। मैं अब थोड़ा जल्दी स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि हम ये डिवाइड वाले क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, पहले भी हमने सीखा था, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड पकड़ रहा हूं, आप लोग कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, डिवाइड हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, न्यू फैक्टर बताया ना मैंने, अब हम क्या करेंगे, नाउ इसके आगे करा रहा हूं मैं यहीं से, इसको हमें करना है मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है भाई, तो इन दोनों की रफ में मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई होके बनेगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर, और बीच में है माइनस का एक्स, इस माइनस का एक्स को दो पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पे इतना आ जाए और प्लस करने पे वापस यही आ जाए। देखो अब हमारे पास यहां भी माइनस का है और मल्टीप्लाई करके भी हमें माइनस का ही नंबर चाहिए, जब भी मल्टीप्लाई करके माइनस का नंबर चाहिए होता है ना तो हमेशा उसमें एक नंबर हमारा पॉजिटिव होता है और एक नंबर नेगेटिव, यानी एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस बनेगा। सिंपल सी ये बातें सोचनी है आपको, आपको बस यही याद रखना है कि भाई प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो प्लस आता है, ये बात आपको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस को माइनस से करते हैं तब भी प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को भी प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो आपको मल्टीप्लाई करके माइनस का नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमेशा माइनस कब आएगा, जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इनमें से एक प्लस हो एक माइनस हो। ठीक है, तो भाई टू किसके टेबल में आता है, टू एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो भाई वो तो टू वन जा टू ही आता है, टू वन जा टू, टू एक्स और एक्स, अब इसमें से एक प्लस है एक माइनस है, अब कौन प्लस है और कौन माइनस है, इस बारे में भी मैंने आपको बताया है कि जो साइन यहां पे होता है बड़े वाले के साथ वही साइन होता है, यहां माइनस है तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस, अरे तभी तो माइनस का 2x और प्लस का x जाके माइनस का x बनेगा, माइनस का 2x प्लस x करोगे तो माइनस का x बनेगा। ठीक है, तो जो साइन यहां होता है इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना उसके साथ वही साइन लगेगा, तो यहां माइनस का साइन है तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, तो आपने इसको तोड़ लिया दो पार्ट में, माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, इन दोनों में कॉमन लेंगे, आप देख सकते हैं x इधर भी आ रहा है x इधर भी आ रहा है, x कॉमन, अब ये x का स्क्वायर था यानी कि दो बार x था, एक बार x बाहर जा चुका है तो एक बार बच गया, माइनस में इसका x बाहर जा चुका है तो क्या बचा 2, फिर मैंने बताया था जो यहां पर आता है सेम टू सेम यहां पर आता है, यहां भी वही लिख दिया, थर्ड के पास देखते हैं इसके पास ऐसा क्या है जो इस पर नहीं है, दोनों के पास सेम टू सेम है, जब सेम होता है तो बाहर क्या देखते क्या देते हैं प्लस का वन, तो बाहर लिख दिया हमने प्लस का वन, तो एक बार हमने लिखा एक्स माइनस टू और एक बार हमने लिखा एक्स प्लस वन, और इसी के साथ हमारा ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स क्या बने, हमारे तीन फैक्टर्स बने, पहला फैक्टर तो यही होता है जी एक्स एक्स माइनस वन, दूसरा एक्स प्लस वन और तीसरा एक्स माइनस टू, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तीन फैक्टर हमने कर लिए इसके, तो क्यूबिक वाले के फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में चार नंबर का आता है, तो इसको नोट कर लो। अब हम इसका एक पार्ट मैं और करा देता हूं, उसके बाद जो बच जाएंगे इसके दो पार्ट्स वो आप खुद करना, ठीक है, होमवर्क में आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम इसका अगला पार्ट कर रहे हैं, पार्ट टू, और पार्ट टू में हमें पी एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ठीक है, ये आपको दे रखा है पी एक्स,
तो फिर से इसमें हमें क्या करना है, ऐसी वैल्यू लेट करनी है जिसको रखने पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो। तो आप सोचो कि हम इसमें क्या रखें जो जीरो हो जाए, ये आपको सोचना आना चाहिए। ये नहीं कि आप रख रख के बार बार देखेंगे, बार बार रखेंगे तो इससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हमें पहले अंदाजा लगाना है कि क्या रखने पे इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, ताकि हम एक बार में ही इसको सॉल्व कर दें। जैसे कि मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे को देखने को मिल रहा है कि सिर्फ अकेला ये एक्स क्यूब जो है ये पॉजिटिव है, और इसको छोड़ के अगर मैंने यहां पे देखा तो माइनस, यहां देखा तो माइनस, यहां देखा तो माइनस, तीनों जगह माइनस है, तीन जगह माइनस और एक जगह प्लस। तो क्या ऐसी कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है कि जिसको एक जगह पॉजिटिव रखा जाए और तीन जगह नेगेटिव रखा जाए और मिला के जीरो आ जाए? तो ऐसी कोई वैल्यू होगी तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जिसके बारे में हमें सोचने में बहुत ज्यादा टाइम रख सकता है। तो क्यों ना मैं इसकी एक नेगेटिव वैल्यू रखूं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रखने पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू रखने पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और क्या होगा, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर बराबर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये कटने के चांसेस रहेंगे। तो हम इसमें एक्स की वैल्यू को नेगेटिव रख के देखते हैं, तो एक बार लेट कर लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो पी माइनस वन यहां पे चेक करते हैं, तो माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू में माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू में माइनस वन माइनस फाइव। तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और प्लस वन को जो आप थ्री माइनस के थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का थ्री, माइनस नाइन और माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का नाइन और माइनस का फाइव। आप देख सकते हैं प्लस का नाइन और माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर और माइनस फाइव माइनस का नाइन, प्लस नाइन माइनस नाइन कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये दोनों मिला के कितना आ गया, जीरो, जीरो आ गया। देयरफोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पॉलिनोमियल का एक जीरो है, शून्यंक है। हिंदी में भी लिख लेना, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक बहुपद का एक शून्यंक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जी एक्स क्या बनेगा, इस बार माइनस का वन इधर आएगा तो प्लस का वन बनेगा, यानी जी एक्स हमारा क्या आ गया, एक्स प्लस वन। और फिर से वही डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, तो पी एक्स को फिर से जी एक्स से डिवाइड करेंगे। करते हैं यहां पे डिवाइड, डिवाइड करना सिखाया था मैंने आप लोगों को, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, डिवाइड करना है एक्स प्लस वन से, ठीक है। तो फिर से वही देखेंगे इसमें ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है। तो भाई इस पे एक्स क्यूब है, इस पे एक्स है, तो कितने की कमी है, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर दे दिया तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, और प्लस का एक्स स्क्वायर जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, ये आ गया माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, माइनस का नाइन एक्स, माइनस का फाइव। फिर से देखेंगे इसके आगे क्या है जो इसके पास नहीं है। इसके आगे माइनस का फोर है, इसके आगे नहीं है, इसके पास एक्स का स्क्वायर है, इस पे सिर्फ एक्स है, तो कितना कम है, एक्स कम है। माइनस का एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का फोर एक्स जब इस प्लस के वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का फोर एक्स ही आएगा। ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस का प्लस, ये भी कट गया, नाइन माइनस का नाइन एक्स और प्लस का फोर एक्स, तो माइनस का फाइव एक्स बचेगा और माइनस का फाइव। इसके आगे क्या है जो इसके आगे नहीं है, तो माइनस का फाइव, तो माइनस का फाइव एक्स, और माइनस का फाइव जब प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का फाइव बनेगा। तो प्लस प्लस जीरो जीरो, यहां कितना आ गया, जीरो, ठीक है। तो यहां पे जीरो आ गया, यानी कि ये डिवाइड हो गया, तो हमारे पास न्यू फैक्टर क्या आया, न्यू फैक्टर एक्स के स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस, सॉरी माइनस फाइव, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। तो ये हमारे पास नया फैक्टर आया। अभी से भी हमें क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं इसके आगे बताता हूं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है।
तो क्या आया हमारे पास, न्यू फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब फिर से सबसे आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर। बीच में जो टर्म है इसको दो पार्ट में तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, और ऐड करने पे माइनस का फोर एक्स। फिर से देखो, यहां पे माइनस है और यहां भी क्या है, माइनस। हमें मल्टीप्लाई करके माइनस का नंबर चाहिए, तो वो कब आएगा, जब एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू माइनस की, तभी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस का। तो माइनस का फाइव एक्स और प्लस का एक्स, ठीक है, गुना करोगे तो देखो फाइव एक्स स्क्वायर ही चाहिए ना हमें माइनस का, तो फाइव वन जा फाइव, और जब माइनस फाइव प्लस एक्स करोगे तो माइनस का फोर एक्स बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव, कॉमन लोगे इधर दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स माइनस फाइव। फिर जो कॉमन यहां आया सेम टू सेम यहां आएगा, बचेगा वन। तो एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस वन, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स टोटल क्या हो गए, पहला फैक्टर हमारा क्या था, एक्स प्लस वन, दूसरा है एक्स माइनस फाइव, और तीसरा है एक्स प्लस वन। अब आप कहोगे कि यहां पे यहां ये भी एक्स प्लस वन है, ये भी एक्स प्लस वन है, दो दो बार एक्स प्लस वन कैसे आ गया, तो आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उसका एक फैक्टर जो है वो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ये सेम टू सेम दो बार आ सकता है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। फिर हम इसका अगला पार्ट करते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा, इसका थर्ड पार्ट, इसमें आप देख सकते हैं आपको पी एक्स दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और इसे आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले एक नंबर सोचना है जिसको रखने पे इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो अब मैं यहां पे देख सकता हूं कि मेरे सारे पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। कैसे हैं पॉजिटिव, ये भी प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, चारों प्लस के हैं। तो क्या मैं अगर कोई प्लस की वैल्यू रखूं तो क्या वो कभी जीरो हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं कोई प्लस का वन भी रखता हूं तो ये भी वन आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और सबको आप प्लस करोगे तो जीरो थोड़ी आएगा, वो तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि प्लस, जब सारे के सारे प्लस के हैं तो इसमें मैं कोई सी भी प्लस की वैल्यू रखूंगा तो वो जीरो नहीं आएगा, यानी मेरे को इसको जीरो अगर बनाना है तो उसके लिए मुझे एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए। कैसी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव, कोई एक नेगेटिव वैल्यू मैं इसमें रखूंगा तभी जाके ये जीरो बन सकेगा। तो क्यों ना मैं लेट करूं कि एक्स इजिकल टू माइनस वन, तो हम माइनस की वैल्यू लेट करेंगे और ये बन जाएगा माइनस के वन का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस वन प्लस 20। अब आपको पता है कि माइनस के वन का क्यूब तो माइनस वन ही होता है, माइनस के वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, और प्लस वन जब 13 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 13 आ जाएगा, प्लस का 32 जब माइनस के वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 32 आ जाएगा, और 20, 23 और 20 कितना होता है, 33, माइनस का वन और माइनस का 32 तो माइनस का 33, प्लस का 33 और माइनस का 33 कितना होता है, जीरो। इसका मतलब एक्स इजिकल टू माइनस वन इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक्स इजिकल टू माइनस एक बहुपद का एक शून्य अंक है, इसलिए हमारा जो जी एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का वन उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का वन, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है डिवाइड, तो डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो करते हैं। यहां पे मैं आपको सारे पार्ट करा रहा हूं, आज हम इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सीधा, तो आप इसी को कर लेना, एक बार मैं करा रहा हूं, एक बार घर पे आप भी ट्राई करेंगे इसको अच्छे से। इस बार x प्लस वन से डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 120, सॉरी 20, इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे भाई इसके पास ऐसा क्या है जो इस पे नहीं है,
बार बार हम एक ही तरीके से कर रहे हैं, एक्स क्यूब आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जब प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और माइनस ये कट जाएगा, 13x² में से 1x² गया तो 12x² प्लस 32x प्लस 20। इसके आगे क्या है जो इसके पास नहीं है भाई, इसके पास 12 है, 12 प्लस का उस पर नहीं है, फिर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है तो कितना कम है, एक्स कम है, 12x² और 12x जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12x आ जाएगा, माइनस का एक्स माइनस का है, ये माइनस ये कट गया, प्लस का 32 माइनस का 12 कितना बचेगा, 20x प्लस 20, तो 20 आप देख सकते हैं, इसके आगे हम क्या करेंगे, प्लस का 20, तो ये 20x जब 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो 20x और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 जा 20, माइनस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया, जीरो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास न्यू फैक्टर आ गया, न्यू फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसे भी मिडल टर्म स्प्लिट से करना है, यही करते हैं। तो भाई नहीं, एक काम करो, नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो फिर कराता हूं यहीं पे, और खुद ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, होता है तो आपसे अच्छी बात है, वरना तो मैं कराऊंगा ही अभी, जल्दी करो। हाँ जी, तो न्यू फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको दो पार्ट में तोड़ना है। पहली बात तो सबसे पहले क्या करना है, रफली मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और 20 की, तो आ जाएगा 20x² अब बीच वाले 12x को दो पार्ट में तोड़ना है, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, प्लस करके 12 आना चाहिए, तो क्या हमें साफ साफ नहीं दिख रहा कि 10 2 जा 20 होता है, और एक्स और एक्स और ऐड करोगे तो 10 और 2 12 आता है। ठीक है, 10 2 जा 20x² और प्लस करोगे तो 10 और 2 12x आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो भाई इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 10, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 10, एक बार लिखेंगे x प्लस 10, एक बार लिखेंगे x प्लस 2, तो फैक्टर्स क्या आ गए भाई, फैक्टर्स पहला फैक्टर था हमारा x प्लस 1, दूसरा आ गया x प्लस 2 और तीसरा आ गया x प्लस 10। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म, नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसके अंदर हमें पी एक्स नहीं दिया, अब हमारे लिए बस एक इसमें क्या किया है, वेरिएबल चेंज कर दिया, एक्स की जगह वाई कर दिया, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्स की जगह वाई कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें करना करने का तरीका बिल्कुल वही है। ठीक है, इसमें फिर से हमें क्या करना है, हम एक्स को लेट करते थे, इस बार हमें वाई को लेट करना है, और मुझे पता है कि वाई को वन रखने पे ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो वाई को वन रखूंगा तो ये टू आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये माइनस टू आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा, तो सब कट जाएगा और जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वाई इजिकल टू वन रखना है, पी वन इजिकल टू 2 × 1³ प्लस 1² माइनस 2 × 1 - 1। 1³ 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, 1² 1 होता है और माइनस 2 1 जा माइनस 2 होता है और माइनस 1, इस प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, कितना आ गया, 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल का जीरो है, और ये जीरो है, देयरफॉर जी वाई कितना बनेगा, प्लस वन उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का वन, तो वाई माइनस वन। नाउ डिवाइड पी वाई बाय जी वाई, पी वाई को जी वाई से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं, इतनी देर से हम यही तो कर रहे हैं, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इधर है y माइनस 1, करो y डिवाइड, आगे क्या है 2, कितना कम है, y² कम है, 2y³ माइनस का 2y, 2y² तो माइनस का 2y² बन जाएगा ये। ठीक है,
माइनस प्लस, कट गया ये देखो, अब दोनों प्लस के हो गए तो कटेंगे नहीं, प्लस का 2y² प्लस का y स्क्वायर, तो प्लस का 3y², माइनस का 2y माइनस का 1। अब आगे क्या है, 3 है, 3 y कितना कम है, y यहां पे स्क्वायर है, यहां 1 है, तो यहां कितना कम है, 1 कम है, तो 3y² और प्लस का सॉरी माइनस का 3 बन जाए 3y, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, कट गया, प्लस का 3y माइनस का y 2y, तो y बचेगा माइनस 1। अब देखो जो यहां पे है सेम टू सेम, यहां पे जब दोनों के पास सेम होता है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, प्लस का 1, ठीक है ना, तो प्लस का 1 लिखा तो इधर क्या आ जाएगा, वाई माइनस 1, क्योंकि वाई बन जा वाई और माइनस 1 बन जा माइनस 1, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, हमने बहुत बार कर लिया ये, इसलिए मैं इतनी स्पीड में अब करा रहा हूं ये लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों को भी स्पीड बनानी है तभी आप एग्जाम में इसको पूरा कर पाओगे। ठीक है, अब आप बड़ी क्लास में आते जा रहे हैं तो आप अपने हाथों की स्पीड बना के रखें, वरना पेपर आने के बाद भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्पीड को आप तेज करें अपने, धीरे धीरे, हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, डिवाइड इतने सारी इतनी बार कर ली, तो मैंने आपको हर बार आराम से समझाया, अब मैं थोड़ा फास्ट इसलिए किया इस बार क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपको आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास न्यू फैक्टर आ गया, न्यू फैक्टर क्या आया, 2y² प्लस का 3y और प्लस का 1। अब लास्ट हमें से क्या करना है, फैक्टराइज बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। तो लास्ट हमारे पास बचा है 2y² प्लस 3y प्लस 1, इसको मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, तो 2y² को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2y² आता है, बीच में 3y² को 3y को तोड़ना है दो हिस्सों में कि मल्टीप्लाई करने पे तो 2y² आ जाए और प्लस करने पे 3y आ जाए, तो भाई 2 1 2 और ये 1, मतलब 2 2 1 2 होता है और ऐड करोगे तो 3 भी आता है। ठीक है, तो 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, इन दो में कॉमन लोगे 2y कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, इधर से बचेगा y और इधर से 2y पूरा बाहर जा चुका है तो बचेगा 1, जो यहां पे आया है सेम टू सेम यहां पे आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे तो पूरा का पूरा सेम आ गया, जब मैंने बताया पूरा का पूरा सेम आ जाए तो बाहर क्या लिखेंगे, प्लस का 1। ठीक है, तो बना एक बार y प्लस 1 और एक बार बना 2y प्लस 1, तो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, हमारे पास फैक्टर्स आ गए, पहला फैक्टर आया y माइनस 1, दूसरा आया y प्लस 1 और तीसरा आया 2y प्लस 1, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो जाती है। ठीक है, ये जो फैक्टर फैक्टर वाला था, है ना ये फैक्टराइजेशन वाला, क्वाड्रेटिक वाला और क्यूबिक वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के, ये 100% इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी, इसलिए आप कुछ करो ना करो फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्वाड्रेटिक वाला और क्यूबिक वाला। ठीक है, चाहे आप क्लास को एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, जितनी बार आप देख के इसको सीख सकते हो उतनी बार आप देख के इसको सीखो, अच्छे से सीखो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है किस तरीके से मुझसे कांटेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो आप पूछ भी सकते हैं, बाकी मैंने आपको करा दिया, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज बचती है चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है 2.5, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिलहाल आप यहां तक इसको कवर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।